Hello aspirant, as dated 28th June 2021, Monday. आज का word of the day देख लेते हैं. First है हमारा parry. Parry एक verb है जिसका मतलब होता है evade या किसी को block करना, ठीक है, किसी को अटकाना. कोई अगर questioning कर रहा है, जैसे कि politics पे होता है ना, कोई अगर news पे कोई पूछता है कोई, ठीक है, उसको वो बात को घुमा फिरा के बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं पैरी, ठीक है. इवेड करना, एंटिसिपेट करना, बात को टालने के लिए कोशिश करना, इसको बोलते हैं पैरी, ठीक है. इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट और एनकरेज. किसी को टालना या ब्लॉक करना, उसको बोलते हैं पैरी. उसका अपोजिट हो जाएगा कंफर्ट और एनकरेज. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कुड नो लॉन्गर पैरी द फियर्स अटैक ऑफ द लेटर बाय सिंपल अवॉइडेंस. सिंपल अवॉइडेंस के चक्कर में, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल अवॉइड करके वो पैरी, मतलब ब्लॉक कर नहीं पाया, मतलब फेरी अटैक मतलब होता है दर्द, मतलब भीषण, ठीक है, मोर पावरफुल, ठीक है, मतलब बोलते हैं कि एंग्री, अग्रेसिव अटैक बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अग्रेसिव होगा. ही कुड नो लॉन्गर पैरी द फियर्स अटैक ऑफ द लेटर बाद में बाय सिंपल अवॉइडेंस, वो बाद में आखिरी तरफ, ठीक है, आखिरी तरफ वो नहीं रोक पाया, नो लॉन्गर पैरी, ब्लॉक कर नहीं पाया. सेकंड वर्ड देख लेते हैं. सेकंड वर्ड है डिसवेड. डिसवेड एक वर्ब है, फिर से आ गया एक वर्ब. डिसवेड का मतलब होता है प्रिवेंट और डिस्करेज और डिटर, ठीक है. इसका मतलब होता है किसी को अटकाना, रोकना, ठीक है, या कुछ काम करने के लिए, कुछ अगर कोई कुछ काम कर रहा है उसको बाधा देना और अटकाना, मना करना काम करने के लिए, इसका मतलब ये क्या है, डिसवेड, ठीक है. इसका एंटोनिम हो जाएगा परसुएड और एनकरेज. डिसवेड एंड परसुएड बोथ आर ऑपोजिट, ठीक है, डिसवेड एंड परसुएड, ठीक है. किसी को पर्सुएड क्या हो जाएगा, पर्सुएड का मतलब हो जाएगा कि कुछ काम, किसी को कुछ काम करने के लिए उसको सम्मोहित करना या उत्साहित करना, ठीक है. आई ट्राइड टू डिसवेड हर फ्रॉम स्पेंडिंग द मनी बट शी इंसिस्टेड. मैं कोशिश किया कि उसको मना कर सकूं कुछ, मतलब जो पैसा खर्च कर रही थी इधर उधर, तो मैं मना कर सकूं, मैं इसलिए अटकाया, पर वो नहीं मानी और आगे बढ़ी, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड वर्ड है हमारा प्लेंटिव. प्लेंटिव होता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सैड और मोर्नफुल, जिसको हम पैथेटिक बोल सकते हैं, और एक इम्पोर्टेंट वर्ड मेलांकोली, ठीक है, मेलांकोली एक म्यूजिक और सोरोफुल, ठीक है, पाइटियस, ये सब हो सकता है इसका सिनोनिम पे. क्या है प्लेंटिव, ठीक है. इसका मतलब होता है अगर दर्दनाक और दुखद बोल सकते हैं, दुखद, जैसे कि अगर कोई मर गया उसके विलाप पे जो रोते हैं, विलाप करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेंटिव, ठीक है, मेलांकोली बोलते, कोई अगर मर जाए तो. फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देख लेते हैं. द सैड न्यूज़ ऑफ देयर ग्रैंड मदर्स डेथ लेफ्ट द रूम फुल ऑफ प्लेंटिव क्राइज. जो मतलब ये जो दर्दनाक पैथेटिक क्राइज से, मतलब रूम भर उठा, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है. ये कोई अगर मर जाता है तो हम लोग देख कैसे, मतलब विलाप करते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्लेंटिव. आई होप ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा. पहला वाला था पैरी का मतलब होता है ब्लॉक करना, अवॉइड करना और एंटिसिपेट करना, इसका रोकना, और डिसवेड मतलब कुछ का अगर काम कर रहा है तो उसको रोकना. थर्ड वर्ड हो गया हमारा प्लेंटिव. प्लेंटिव मीन्स एक एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं रोना, पैथेटिक, ठीक है, सैड. आई होप आज का दिन आपका शुभमय हो, और अच्छे से रहिए, अपनों का भी ख्याल रखिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम देने के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय.